दर्जी से प्लम्बर। जी जनाब, तो वी आर बैक विद अनदर वीडियो रिएक्शन, ट्रेलर रिएक्शन, मिशन मजनू। आज हम इसका रिव्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं हूँ ज़ैफ़ा। मैं हूँ इस्माइल और आप देख रहे हैं मिस्टर एक्शन यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं मिशन मजनू, जो हमारी है नेटफ्लिक्स की मूवी, आ चुकी है डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे आ रही है मूवी। सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना श्रीवल्ली उसकी लीड में है। अच्छा जी, लीड कास्ट है इनकी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ट्रेलर। ओके, और ये ट्रेलर नेटफ्लिक्स पे आ रहा है डायरेक्ट। ऐसे क्या बात है, मूवी नेटफ्लिक्स पे आ रही है डायरेक्ट, सिनेमाज में नहीं जा रही। सिनेमाज में नहीं जा रही, डायरेक्ट ओटीटी पे आ रही है। ये सीन है, काफी उसमें लैंग्वेज इसमें किया गया होगा ना? नहीं, आई थिंक सब में सब टाइटल्स उनकी, अब ये बहुत आगे तक जाएगी नेटफ्लिक्स पे जब आती है ना मूवीज में, तो उनकी सब टाइटल्स बहुत आती है। तरीबन अच्छी बड़ी हुई मूवी होती है तो काफ़ी सारी कंट्रीज में बनाई जाती है, मेजर कंट्रीज होती हैं बड़ी बड़ी, ये वो सब टाइटल्स ऑलरेडी आ जाती है उनमें, सब में देख सकते हैं जो होते हैं बाकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस की। बहरहाल ये अब अक्सर सारे लोग डायरेक्ट ओटीटी को चूज कर रहे हैं क्योंकि मूवीज अक्सर अब आजकल जो बॉक्स ऑफिस कहलाते हैं, बड़ी से बड़ी मूवी फ्लॉप हो रही है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। शाहरुख खान की कहते हैं चारों मूवी इस बार बैक टू बैक फ्लॉप गई हैं इस साल, तो इसलिए सारे क्या बोला तूने? ओ शाहरुख खान में कह रहा हूँ, शाहरुख खान की वैसे पिछली मूवीज फ्लॉप गई हैं, अक्षय कुमार की कम बैक कर रहे हैं पठान के साथ, जो हमें बड़ा इंतजार है पठान। बहरहाल अभी इसकी बात करते हैं, तो आजकल सारे लोग ना मतलब के सेफ रहने के लिए सीधा डायरेक्ट ओटीटी पे ही उसको प्रेफर कर रहे हैं बजाय के बॉक्स उस पे सिनेमा पे रिलीज करने के सिनेमाज पे, क्योंकि क्योंकि जो फ्लॉप रेस चल रही है आजकल जो उनकी, तो इसलिए ये इसने इन्होंने भी स्मार्ट प्रोड्यूसर्स ने चूज किया है इसको मिशन मजनू को उस पर डालने। हालांकि बड़ी मूवी है लेकिन देखते हैं ट्रेलर उसका कैसा है, क्या स्टोरी है। टीजर में इतना कुछ नहीं था जो इसका आया था। बहरहाल बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। चालू 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 दर्जी से प्लम्बर। ये कौन सा था? अब्दुल कदीर। सर ने ये तावी सुरमा और ये टोपियां की पहनी हुई है दिखाने के लिए, रोल में उतर गए पूरे। मुझे याद है मुसलमान बनने के लिए पाकिस्तान से देखी नहीं। शंतानु भक्त जी, ये तो मैं वो म्यूजिक ट्रेलर
ये रट रहा है फिर मेरे से अनिश बख्ची सबको लगता है रिश्तेदार है वो ये नेपोटिज्म बहरहाल हाँ जी मूवी तो अच्छी लग रही है लेकिन काफ़ी अनरियलिस्टिक इसकी अप्रोच है। अब मुझे समझ नहीं आती ये सेम टू सेम मूवी बनाते रहते हैं एक जैसी। अब आप एक में आपका पाकिस्तान ही पूरा कर यार, हाँ और नहीं पाकिस्तान यार जो जैसा मर्जी है अब तुम दो मर्जी दिखाओ तुम दिखाओ हिटलर दिखाओ यार कुछ चेंज तो करो हर मूवी सेम होती है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ टोपी पहनी है सुरमा लगाया हुआ तावीज पहना हुआ है सलवार कमीज पहनी रुमाल ऐसे डाल के फिर रहे हैं मुसलमान। वाह मैंने मुझे नहीं लगता कि 1960 या 47 अभी के ऐसे हमारी होती होगी ये कहते हैं लोग ऐसे फिरते होंगे मुसलमान अजीब इन्होंने वो बनाई हुई है। इंडिया के मैं नहीं कह सकता कि इंडिया में शायद मुसलमानों की लेकिन अब तो मॉडर्न दौर है या पुराना टाइम भी जाए तो उनकी ऐसी ड्रेसिंग होती होगी लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की ड्रेसिंग मैंने बचपन में देखी ना जो हम पहले भी हम देखते आ रहे हैं वीडियोज वगैरह चीज़ें देखी हमने माँ बाप से ऐसी ड्रेसिंग कहीं भी नहीं सुनी नहीं और टिपिकल वो चीज़ दिखाई हुई है और ये पता नहीं कहाँ से है हम मुझे तो नहीं याद मैंने कभी किसी को बोला हुआ आदाब या किसी ने मुझे बोला हुआ आदाब। हम तो सलाम करते हैं भाई हम तो सीधे सलाम करते हैं हेलो बोलते हैं सलाम करते हैं जो भी है आदाब वाला पता नहीं उन्होंने कहाँ डाला हुआ चीज़ें वीज़ें इंडिया में शायद आदाब होता हो लेकिन यहाँ पर आदाब लेके ऐसे बातें नहीं करते लेकिन उसके बावजूद अब ये मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ कि मूवी सिमिलर रहती है कुछ स्पाई मूवी बनानी है मैंने कि वो देख लो रोमियो अकबर वाल्टर और जो जॉन इब्राहिम की थी और ये मुझे कोई फर्क नहीं लग रहा उसमें इसमें वही कहानी हमने वो स्टॉप करना हाँ ये वो चीजें पता नहीं बॉम्ब वगैरह वगैरह हिस्ट्री को एक ही पॉइंट है त्रोड़ मड़ोड़ के कुछ और दिखाने के लिए आप पता नहीं क्या करना चाह रहे चीजें बनाओ फिर रियल दिखाएं आपको इतना तो है पता नहीं हमारे इनके स्पाई खत्म नहीं होते। हाँ और फिर उसको क्रिएट करें अब हॉलीवुड की मूवीज हम देखते हैं ना तो वहाँ पे चीज़ें दिखाती हैं काफ़ी चीज़ें होती हैं सेम जनरल होते हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिखाते हैं अप्रोचेस डिफरेंट अप्रोचेस दिखाते हैं लेकिन सेम अप्रोचेस का क्या तुक बनता है समझ नहीं आती। अब वही एक ही वर्जन दिखा रहे हो हर चीज़ का मज़ा कहाँ आता है। मैं पुरानी मूवी उठाकर देखूँ तो मैं सेम वर्जन ही दिखाए जा रहे हैं पाकिस्तान ऐसा ये वो चीज़ें जो भी है ना ना भी तुम ना किसी और बना लें उसको ज़रा चेंज कर दें वही सेम एक वर्जन आप दिखाते हुए आ रहे हैं हर चीज़ का ये वगैरह बहरहाल कोई वो मूवी नहीं है मतलब के ना स्टोरी वाइज भी और जो देख रहा था विजुअल वाइज कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं थी वो एवरेज एक मूवी है लग रही है स्टोरी वाइज भी ये वगैरह बहरहाल मूवी देखेंगे तो पता चलेगा। रश्मिका की ऐसे जैसे वो देख रही थी ऐसे लग रहा जैसे वो ब्लाइंड वगैरह ऐसा वगैरह हाँ तो आपने ये नोटिस किया। हाँ मैं सुन रहा था ऐसी खबरें आ रही थी कि शायद इसमें जो करेक्टर है रश्मिका का वो ब्लाइंड है कैसे सफाई है हिंदुस्तानी अंधी मुसलमान औरत को धोखा दे रहे हैं। Move on. तो जी ये था ट्रेलर मिशन मजनू का आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें और वोट भी कर दें यूट्यूब पे कमेंट्स में बताएं हमें आपको ट्रेलर कैसा लगा और हमें आगे आने वाली कौन सी वीडियोज का ट्रेलर का रिएक्शन करना चाहिए जो जो भी आपकी फेवरेट वीडियो चाहते हैं जिसपे हम रिएक्शन करें उसका जरूर मेंशन करें। तो अभी तक के लिए बस इतना ही फिलहाल आगे दोबारा आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं हम लोग तब तक के लिए अपना ख्याल रखें बहुत सारा अस्सलामुअलैकुम।